वंदे मातरम दोस्तों, बाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेट लॉस। आज जितना लाइफस्टाइल जो है वो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ी एक डिसऑर्डर है जिसको आज हमने डिजीज मानना शुरू कर दिया, और वो है हमारा वजन का बढ़ना। मैं ये नहीं कहता कि वजन का बढ़ना जो है वो सही है, लेकिन वो इतना भी गलत नहीं है जितना गलत हम उसे मानते हैं। इसके बारे में कई सारी धारणाएं जो हैं वो गलत हैं, कई ऐसे मिथ हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझेंगे कि वेट लॉस करने का सही तरीका किस तरीके का है, जो कॉमन सेंस भी जिसमें लगेगी और जिससे एक्चुअल वेट लॉस जो है वो हो पाएगा। समझते हैं पहले वेट लॉस के अंदर जो हम गलती कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गलती क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो दो तरीके से वेट लॉस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो पास के नजदीकी किसी दुकान पर जाएंगे, जाकर रिटेलर से पूछेंगे भैया वेट लॉस के लिए कोई चीज है, और जो चीज होगी उसको लेकर आएंगे और पीना शुरू कर देंगे। डेढ़ महीना, दो महीना, पांच महीने तक देखते रहेंगे कि इससे वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस नहीं होगा तो उस चीज को फेंक देंगे। ऐसे करते करते कम से कम 4 से 5 साल तक आप परेशान रहते हैं, सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं। कोई चीज है, कोई भी आता है आपको बोलता है मैडम ये खा लो, 2 हफ्ते में वजन कम हो जाएगा, 4 हफ्ते में वजन कम हो जाएगा, ना वजन कम होता है लेकिन अगले की दुकानदारी चलती है। तो सबसे पहली गलती क्या होती है, आप सप्लीमेंट ज्यादा खरीदते हैं। दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी चीज है, वेट लॉस जैसे ही आप मशीन पर खड़े होते हैं आपको लगता है वजन थोड़ा ज्यादा हो गया, आप डाइटिंग करनी शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते डाइटिंग करते हैं, सोचते हैं कि हमें कुछ खाना नहीं खाना, हम और कम खाएंगे और कम खाएंगे। 4 हफ्ते के बाद में आप परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद नॉर्मल रूटीन से ज्यादा आप खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिससे जितना वजन कम हुआ था 4 हफ्ते में उतना ही आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज समझते हैं कि वेट लॉस करने का एक्चुअल तरीका क्या है और किस तरीके से हमें वेट लॉस एक्चुअल करनी चाहिए। अगर हम इस बारे में समझना चाहें तो पहले हम ये समझें कि वजन एक्चुअली बढ़ कैसे रहा है। अगर हम ये समझेंगे कि वजन बॉडी के अंदर जो है किस तरह से बढ़ रहा है, तभी तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझते हैं इसको अगर परसेंटेज वाइज हम डिवाइड करें तो कितने लोगों को किस तरीके से वजन बढ़ता है। तकरीबन जितने लोग जिनको वजन बढ़ने की शिकायत होती है उसमें से 5% लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ओवर ईटिंग की वजह से वजन बढ़ रहा है। अब ओवर ईटिंग को आप अच्छे से समझिएगा। ओवर ईटिंग का सिंपल मतलब है मुझे भूख नहीं लगी है फिर भी मैं खाना खा रहा हूं। आपने सुबह खाना खाया, दोपहर में घड़ी देख रहे हैं 2 बज गए, बॉडी नहीं कह रही कि उसे भूख लगी है लेकिन आपको पता है 2 बज गए, मुझे दोपहर का खाना खाना है, आप जाएंगे जबरदस्ती खाना खाएंगे। ये ओवर ईटिंग का है एक उदाहरण। दूसरी बात, रोटी मुझे 3 खानी है लेकिन मुझे खाना खाने का शौक है या खाना बड़ा स्वाद बना है तो 3 की जगह पे मैं 5 रोटी खाता हूं, 6 रोटी खाता हूं, दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका वजन जो है वो बढ़ता है। तो एक इसके पहले हम केवल हम ये समझने की कोशिश करें वजन बढ़ कैसे रहा है, तभी उसके आगे सॉल्यूशंस पे आएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, 30-30% लोग ऐसे हैं इस वक्त जिन लोगों को वेट बढ़ने की जो शिकायत है वो ओवर ईटिंग नहीं करते लेकिन वो रॉन्ग ईटिंग कर रहे हैं। जो खाना वो खा रहे हैं वो खाना उनको खाना नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी वो चीजें खाए जा रहे हैं, चाहे मजबूरी में चाहे नॉलेज ना होने की वजह से। तो ये लोग रॉन्ग ईटिंग, गलत खाना खा रहे हैं, इसकी वजह से इनका वजन निरंतर बढ़ता जा रहा है। 30% लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से जिनका वजन बढ़ रहा है। बॉडी की एक्टिविटी, बड़ी सिंपल सी बात है, खाना आपको ऊर्जा देगा, खाना आपको ताकत देगी, और उसके बाद में जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना वर्जिश करेंगे उतना शरीर जो है वो आपका अच्छा होता जाएगा। अगर शारीरिक हमारा व्यायाम कम हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज कम हो जाएगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा। 30-40% लोग जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से उनका वजन बढ़ रहा है, या इन दोनों का मिक्सचर है, रॉन्ग ईटिंग भी कर रहे हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। और 60% लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम यही इन दोनों की वजह से है। 25% लोग हैं जिनको डिजीज है कोई, चाहे उनको थायराइड है इस वजह से उनका वजन बढ़ रहा है, या उनको कोई डायबिटीज हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है बॉडी के अंदर, गॉल ब्लैडर जो है रिमूव हो गया, खाना आप खाते हैं अच्छे से पचता नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वो खाना जो है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी करेगा, पेट में गैस करेगा जिसकी वजह से वजन बढ़ेगा। तो ये सारी डिजीज और डिसऑर्डर कंडीशन है जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। 10% लोग हैं जिन्हें वहम है कि उनका वजन बढ़ रहा है। हमारे स्टोर में ऐसे बहुत लोग आते हैं, देखने में बिल्कुल सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन वजन बढ़ रहा है जी, हमें वजन कम करना है, जबकि वजन उनका ओवरवेट के अंदर कैटेगरी के अंदर आता ही नहीं। तो इन लोगों को होता है 10% ऐसे लोग हैं जिनको केवल वहम है कि उनका वजन बढ़ रहा है, उनका वजन बढ़ ही नहीं रहा होता, उनको केवल ऐसी शंका रहती है कि वजन बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण हमने पकड़े हैं कि जिसकी वजह से जो है वेट हमारा इंक्रीज कर रहा है।
अब हम समझते हैं इन सभी कैटेगरीज के अंदर, इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंदर हम आते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप ओवरवेट हैं या वेट लॉस आपको करना है, तो पहले ये पता करें कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। अब समझेंगे इसका कॉमन सेंस से हमारा सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को या ईटिंग जो हमारी हैबिट्स हैं उसको किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं कि हम अपने वजन को कम करेंगे। तो अगर हमें ओवर ईटिंग से रिलेटेड दिक्कत है, इसमें क्या होता है कि या तो हमें खाना खाने का बहुत शौक है, हम दो रोटी खानी चाहिए लेकिन उसके लिए चार रोटी खाते हैं, हमें खाना खाना जो है वो पसंद है, या फिर हमें कोई पर्टिकुलर डिश बहुत पसंद है, अगर छोले भटूरे पसंद है तो जिस दिन खाने बैठेंगे उस दिन बहुत ज्यादा खाएंगे। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ना तो अपनी पसंद की चीज ऐसा नहीं करना कि उसको खाना नहीं है, या भूखा जो है वो टेबल से नहीं उठना। ऐसे केस में आप क्या करिए, आप जो भी चीज आपको पसंद है उसके साथ एक ऐसी चीज को जोड़िए जो पोषण तो ज्यादा दे लेकिन टेस्ट जो है उसका थोड़ा कम हो। ऐसी की चीजें कैसी हुई, सपोज कीजिए कि आप आज खाना खा रहे हैं दो रोटी, आपको अगर चार रोटी आप खाते हैं तो दो रोटी खाइए, आप दो रोटी खाने के साथ में आप बाकी चीजों को कैसे भरपूर करेंगे, ऐसी चीज जिसमें पोषण रोटी से ज्यादा है लेकिन टेस्ट रोटी से कम है, यानी कि मिलेट्स हो गए, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ऐसी कोई चीज, तो ये क्या करेंगे आपके, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन जो है इससे ज्यादा है, इसीलिए ये जो हिस्सा होगा ये वेट पुट ऑन करने में आपके कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। जितना आपको सामान्य खाना खाना था आपने यहां से खाया और बाकी जो है आपने यहां से लिया, जो आपके वेट के एडिशन में मदद नहीं करेगा, वेट के एडिशन के अंदर काम नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दोपहर में भूख लग रही है, इधर उधर जाकर कुछ और चीजें जो है वो नहीं खाने की कोशिश करनी, अभी हमने 10 बजे खाना खाया, हमें पता है 2 बजे के अंदर दोबारा भूख लग गई लेकिन इतनी जल्दी हमें खाना नहीं खाना। ऐसे केस में क्या कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम हो गया, मुनक्का हो गया, अंजीर हो गई, इन सबको भिगो कर जो है वो रख सकते हो आप पानी के अंदर। 12 घंटे भीगने के बाद में इनकी तासीर जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करते। ऐसे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स को आप बीच में खा सकते हो, जब भी आप खाओगे जो आपको हंगर एक बीच में उठ रही है वो जो है काफी हद तक आपकी सबड्यू हो जाएगी और आपको अगले 4-5 घंटे के बाद में दोबारा खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, टेस्ट में हो सकता है आपको इतना अच्छा ना लगे। सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बीच में भूख लगी, सैलेड्स और फ्रूट्स खा लिया, ओवर ईटिंग को जो हम रोटी ज्यादा खाना खाना चाह रहे हैं उसको ये रोकने में मदद करेगा। मखाने हो गए, पफ्ड राइस हो गए, ये ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड नहीं करेगी, बहुत ज्यादा फैट ऐड नहीं करेगी लेकिन आपकी जो हंगर है उसको काफी देर तक डिले कर सकती है विदाउट आपको भूखा रखे। तो इसके अंदर मेरा कहने का मतलब ये है, ओवर ईटिंग जिनको भी है उनको ये लगना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमें भूखा रहना है, हमें अपना पेट जरूर भरना है लेकिन उन चीजों से भरना है जो हमारे वेट को पुट ऑन करने में मदद ना करे, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। अब 30% लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग ईटिंग की, खाते तो हैं कम खाते हैं लेकिन जो भी खाते हैं वो गलत खाते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप गलत खा रहे हो, हम दिन में थोड़ा खाना खाते हैं लेकिन जो भी खाते हैं उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, उसके अंदर स्पाइस बहुत ज्यादा है, हम खाते दो बार हैं लेकिन दोनों बार बाजार का खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते, हमारे पास में खाना जो हम दिन में दो बार खाते हैं लेकिन खड़े होकर जल्दबाजी में खाना खाते हैं, या फिर जो चीज हम खाना खाते हैं उसके अंदर ट्रांस फैट। अब जैसे क्या हुआ, खाना तो हमने खाया नहीं लेकिन बाजार में गए, वहां से जाके नमकीन खरीदी, नमकीन खा ली, हमने लेज के पैकेट लिए, कोई चिप्स खा लिए, इन सब के अंदर ट्रांस फैट, जो फैट भी है वो भी गंदा है, वो भी गलत है और वो हम खा रहे हैं, तो आपके वेट पुट ऑन करने में आपको आगे जाके इस तरह की हर्डल क्रिएट करेगा। आप खाना ज्यादा खाते नहीं है, आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, दो चिप्स के पैकेट ले लिए, आपने खाने शुरू कर दिए, आपको वेट पुट ऑन होगा और आपके शरीर के न्यूट्रिशन लेवल्स कम जाएंगे। प्रोसेस्ड फूड, आपका खाना बनाने का समय नहीं है या घर में खाना नहीं बना पा रहे हो तो बाजार से रेडी टू कुक आइटम्स जो हैं वो आपने ज्यादा खरीद ली, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, वो खाने शुरू कर दिए तो आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। घर में खाना बनाने का टाइम नहीं है इसलिए ब्रेड ले आए, नमकीन ले आए, बिस्किट्स ले आए, इनसे खाना खाते हैं हम, इनसे अपना जो है वो जो हंगर है उसको हम प्लेकेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें रॉन्ग ईटिंग के अंदर आती है। तो रॉन्ग ईटिंग में सही ईटिंग क्या है, ये वीडियो के एंड में हम आपको एक पूरा शेड्यूल सुबह से शाम का बताएंगे। अगर इस तरीके से हम अपने खाने की दिनचर्या को करते हैं तो हम इस रॉन्ग ईटिंग की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तीसरी, 30% लोगों को क्या है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑफिस में है सुबह से शाम तक, काम का लोड इतना है, सुबह 8 बजे काम शुरू हुआ, रात के 8-9 बजे तक चल रहा है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, तो जब मेरे पास में टाइम ही नहीं है तो मैं एक्सरसाइज क्या करूंगा, वर्कआउट क्या करूंगा, खाना खाने का तो टाइम नहीं है, वर्कआउट करने कैसे जाऊंगा। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें, पहले तो डाइट को, रॉन्ग ईटिंग को कंट्रोल कर लो, ऐसी चीजें कर लो जो गलत नहीं खाएंगे, जब भी खाएंगे कुछ ना कुछ अच्छा खाएंगे बॉडी के अंदर,
जो बॉडी में फैट डिपोजिशन कम करेगा, न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा, पोषण बढ़ाएगा, लेकिन फैट नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसी चीजों के कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको दिए हैं, कुछ और हो सकते हैं जिनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हो। आप अगर ऑफिस में भी बैठे हो, एक ही छोटी सी जगह पे हम ऐसी कितनी एक्सरसाइजेस हैं जो कर सकते हैं, लेकिन ना तो हमने कभी सर्च करने की कोशिश की है, ना हमने कभी अभ्यास किया उसका। हम बहुत जल्दी ऐसी वीडियो आपको बनाकर देंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर में हो, कहीं पर भी हो, ट्रेन तक में अगर आप चल रहे हो, तो ऐसी एक्सरसाइजेस आप वहां खड़े खड़े कर सकते हो। 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी का पूरा वर्कआउट आपको कराएंगे। ऐसी वीडियो बनाने की बहुत जल्दी हमारी कोशिश है, बहुत जल्दी आपके पास आएगी। अगर सुबह का आधा घंटा किसी भी तरह निकाल लें, मैं बता दूंगा ये केवल और केवल सोच का फर्क है। आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप 7 घंटे 7.5 घंटे 8 घंटे जरूर सोते हैं, उसमें से आधा घंटा पहले उठ के अगर आप सुबह वॉकिंग पे आधे घंटे की चले जाएं, या सूर्य नमस्कार के 12 आसन 12 बार हैं। सेडेंटरी एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे, सूर्य नमस्कार उसमें सबसे ऊपर श्रेणी में आता है, हर वीडियो में मैं बताता हूं। तो अगर सूर्य नमस्कार के जिसके 12 आसन 12 बार या 13 आसन 13 बार होते हैं, अगर कर लिए जाए, 10 मिनट लगते हैं केवल, लेकिन आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो ये सीधा फैट डिपोजिशन पे जा रही है, इन सारी चीजों को आप रोक लोगे तो हर किसी के शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डिजीज है, थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम्स होने के बाद में वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन बॉडी का कम है, विटामिन मिनरल्स की कमी है, तब भी वेट पुट ऑन होगा आपका। सिंपल लॉजिक है उसके अंदर। उसके अंदर वेट पुट ऑन होने में ये नहीं है, हम बहुत बार कहते हैं हम तो 2 रोटी खाते हैं फिर भी वेट पुट ऑन हो रहा है। शरीर की एनर्जी कम होगी, शरीर में चलने फिरने की जो ताकत है ये कम होगी, तो आप 2 रोटी भी खाओगे वो भी आपके शरीर के अंदर फैट डिपोजिशन करेगी। आपकी बॉडी के अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हो, आप ये मत सोचो कि मैं रोटी कितनी कम खा रहा हूं, आप ये सोचिए मेरी फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से शरीर अपना न्यूट्रिशन अपने आप मांगेगा, उसको वो चीजें दे दो जो न्यूट्रिशन में सिंपल सी चीज है। अगर हम ये करके रखेंगे तो वेट पुट ऑन कभी नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, हमारे पास में जो डिजीज कंडीशंस हैं, उनको डिजीज को कितने अच्छे तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, इसके अंदर हमने सारी वीडियोस जितनी हमारी बनती है वो डिजीज के पैटर्न के ऊपर बनती है, और ऐसी बहुत वीडियोस बनाई है हमने जिसमें हम आपको कंप्लीट, अब इसके बाद भी हम आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल पूरे दिन की हम दिनचर्या बताएंगे, अगर उसको भी आप फॉलो कर लोगे ना वेट पुट ऑन होगा ना डिजीज की तरफ आप आगे बढ़ोगे। अब आखिरी के जो 10% है, इनको केवल वहम की बीमारी है, इनको लगता है कि मेरा वजन जो है वो बढ़ रहा है, इनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ये मत सोचिए, वजन से खुद की फिटनेस के लेवल्स को आप इवेल्युएट करना बंद करें। हमें लगता है वजन बढ़ रहा है तो हमारे जो फिटनेस लेवल है वो खराब हो रहे हैं, नहीं, आपके फिटनेस लेवल्स पता चलेंगे आपकी एक्सरसाइज पैटर्न से। अगर मैं वर्कआउट करने जाता हूं, मैं कितना वर्कआउट कर पाता हूं, दिस इज अ सिंगल पैटर्न जिससे आपको पता चलेगा आप कितने फिट हैं। तो सुबह आधा घंटा वॉकिंग करने जाएं, जो आपके पास में जो भी आपका जानकार हो, अपने खुद के टाइम लिमिट के अंदर देखें, मैं आधा घंटे में कितनी वॉकिंग कर पाया, कितने किलोमीटर चल पाया, दिस इज अ सिंपल इवेल्युएशन पैटर्न जिससे आप अपने फिटनेस लेवल को पता कर सकते हैं। ये जो हमने पैरामीटर चेंज किया है कि हमारा वजन 2 किलो बढ़ गया तो हम तो भैया फिट नहीं है, ये पैटर्न गलत है, तो इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना, ये वहम वाले लोग थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें। आपको फिट बनना है, आपको पतला बनना नहीं है, आप अपनी फिटनेस के ऊपर जाइए, आप पतले बनने के ऊपर ध्यान मत दीजिए। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर इनके ऊपर हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। इससे अगले क्लाश में अब हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, किस तरह का हमारा डेली लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे हम ये पूरे के पूरा जो हमारी दिनचर्या है उसको हम रेगुलेट कर सकें, और ये 5 चीजों में से कोई भी चीज जो है उसके अंदर हर्डल ना बने। अब हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी दिनचर्या है जिसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो वेट लॉस के पैटर्न के अंदर सबसे अच्छी काम करेगी। मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं, जितना आप दुकानों पे जाके सप्लीमेंट्स की मांग करेंगे उतना आपके लिए हार्मफुल रहने वाला है। अब समझिए कॉमन सेंस से हम कौन से ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाएं जिससे हमारे जो है हम वेट लॉस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुबह आप उठते हैं, चाहे 5 बजे उठें, चाहे 6 बजे उठें, चाहे 7 बजे उठें, आपको उठते ही पहले तांबे के बर्तन का पानी जो है वो पीना है, और पानी ये इसलिए पिलाते हैं ताकि जो मोशन है वो हमारा पहले दिन के टॉक्सिन्स को रिमूव करना है बॉडी से। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनको वेट लॉस करना तकरीबन नामुमकिन है, आज नहीं तो कल उनको वेट पुट ऑन होगा होगा, क्योंकि शरीर के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी तो प्रॉब्लम आएंगी। तो कॉपर वेसल, रात को जो तांबे के बर्तन का पानी है उसको आपको पीना है, पीने के बाद में आपने फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद में जब आप बाहर आएंगे 5 या 10 मिनट में आप अब आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं, और आयुर्वेद के अंदर 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस में मदद करेंगी। किस तरीके से मदद करेंगे समझिए। सबसे बड़ी हर्ब जो बताई जाती है वेट लॉस में आयुर्वेद के अंदर, उसमें से एक का नाम है गार्सिनिया कंबोजिया।
ये एक हब होती है जो वेट लॉस में मदद करती है, बॉडी के अंदर जाती है, थोड़ी सी गर्मी पैदा करेगी, जो फैट सेल्स हैं उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगी, वजन को थोड़ा कम करने में मदद करेगी। तो आप ऐसी चीजें ले सकते हैं जिसमें गार्सिनिया कंबोजिया हो। यूजुअली मैक्सिमम वेट लॉस के लिए जो भी आपके पास में जूसेस आते हैं या पाउडर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे वाक्षी के पास में अगर रहता है तो हम इस जूस को प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर अब मैं बताऊं तो 5 से 6 चीजें हैं जो मिक्स करी गई हैं। एलोवेरा हो गया, गुगल हो गया, ग्रीन टी हो गया, गार्सिनिया हो गया, ये सारी चीजें। ऐसा किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले आपको जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए वो ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स ना हो, केमिकल्स ना हो, कलर्स ना हो आर्टिफिशियल, ऑर्गेनिक USDA सर्टिफाइड हो तो बेहतरीन है। तो ऐसी चीजें हमें लेनी है। आयुर्वेद आपकी मदद जरूर करेगा, प्रोवाइडेड ये आयुर्वेद की जो हर्ब्स है ये ओरिजिनल हो और आप तक सही तरीके से आ रही। तो ऐसी चीज की आप मदद ले सकते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसे जूस को या ऐसे पाउडर को, ऐसे को आप खा सकते हैं, लेकिन दिन में केवल 1 या 2 बार, इससे ज्यादा इनकी महत्वता नहीं है। तो यहां पर आप आयुर्वेद की मदद लेंगे, ये 3-4 तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं। कई बार ये आपके एंड्योरेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इतनी जल्दी आपको थकान महसूस नहीं होती, तो जाहिर सी बात है आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो वेट लॉस होगा। दूसरा तरीका है जो काम करने का, जैसा मैंने बताया फैट सेल्स को डिसॉल्व करने में थोड़ा मदद करते हैं, शरीर के अंदर के तापमान को बढ़ाएंगे, क्योंकि गर्म हर्ब्स हैं तो इसीलिए शरीर के अंदर के तापमान को बढ़ाएंगे तो फैट सेल्स को थोड़ा सा डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वजन कम होगा। लेकिन ओरिजिनल आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है केवल उसी को इस्तेमाल करें जिसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंसेस, इस तरह की चीजें ना हो। सर्दियों के अंदर आपको कोई ऐसी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स में। सर्दियों के अंदर मैं आपको एक कॉन्कॉक्शन बता रहा हूं जिसको हम टर्मरिक कॉन्कॉक्शन बोलते हैं, बहुत बार वीडियोस में हमने बताया इसका इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर नॉर्दर्न एरियाज में है, बाहर अगर ठंड पड़ रही है तो हल्दी का काढ़ा बनाकर पीजिए, जिसमें हल्दी, दालचीनी और ब्लैक पेपर इसका इस्तेमाल होता है। नीचे हम लिंक देंगे, हल्दी कॉन्कॉक्शन, टर्मरिक कॉन्कॉक्शन को बनाना सीखें, ये वेट लॉस के अंदर बहुत मदद करेगा। तो टर्मरिक कॉन्कॉक्शन या फिर इस तरह के किसी भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आप इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको फैट लॉस में मदद करेगा। आपने ये आयुर्वेदिक ड्रिंक जो है, चाहे वो आपने काढ़े के रूप में पी, चाहे आपने ये जूस या पाउडर के फॉर्म में पी, उसको पीने के बाद में आप सीधा वॉकिंग पे निकलेंगे या सूर्य नमस्कार करेंगे या जो एक्सरसाइजेस के आपको पैटर्न्स बताए जाएंगे अलग वीडियोस के अंदर उनको आप फॉलो करेंगे। इसके अंदर आपको ये ध्यान नहीं रखना कि मैंने कितने घंटे एक्सरसाइज की, आपको बस ये ध्यान रखना है जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो क्या उसके बाद में इतनी थकावट शरीर में हो रही है, पसीना पूरी तरह बह रहा है कि नहीं बह रहा है। शरीर में थकावट भरपूर होनी चाहिए और पसीना जो है वो बहुत ज्यादा बहना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो मैं ये इफेक्टिव एक्सरसाइज कर पा रहा हूं। बहुत बार ऐसा केसेस होता है आप 2-2 घंटे वॉक करके आ जाते हैं लेकिन शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर पे पसीना भी नहीं आता और शरीर में थकावट भी नहीं होती। तो गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप आधा घंटा करिए लेकिन अच्छी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करिए ताकि शरीर के अंदर प्रभाव पड़े उसका। उसके बाद में आने के बाद में अब आप न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे। इसके अंदर आप व्हीट ग्रास पाउडर पी सकते हैं, आप बार्ले ग्रास के जो पाउडर्स अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनिक उनको ले सकते हैं, अल्फा अल्फा पाउडर होते हैं, हमारी एक वीडियो वर्ल्ड बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स वो हमने बनाई इसी के ऊपर है, उनमें से कोई भी एक न्यूट्रिशनल चीज आप पूरे साल के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं लेंगे। तो यहां पे आयुर्वेद हमने आपको इसलिए दिया ताकि वो आपको मदद करे। जो अगला आप स्टेप लेने वाले हैं वॉकिंग का, सूर्य नमस्कार का, या इसमें थोड़ी मदद मिले, उसके इमीडिएट बाद आप न्यूट्रिशन लेंगे। उसके बाद में अगर आपने व्हीट ग्रास और बार्ले ग्रास इस तरह की 2 ड्रिंक्स ली हैं तो भूख जो है इतनी जल्दी नहीं लगती। फिर जब नेक्स्ट टाइम भूख लगे तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्या करना है, ऐसी चीज खानी है जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जिनका बहुत अच्छा हो। ऐसे में आते हैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, बादाम भिगोइए, 8 से 10 बादाम भिगोइए, 8 से 10 मुनक्का भिगोइए, 3-4 अखरोट भिगोइए पानी में रात को, और 2-3 अंजीर भिगोइए। इन सब सारी चीजों को रात को भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद 12 घंटे के बाद में सुबह या तो ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चबा चबा के खाइए। लेकिन कई लोग होता है क्योंकि इनकी गर्म तासीर होती है इसे शरीर में गर्मी कर सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को जिसको भिगोया ग्राइंडर में डालिए, मिक्स कर दीजिए, इनकी चटनी बना दीजिए। जब ये चटनी बन जाएगी, ग्राइंड हो जाएंगे, तब इनकी गर्म तासीर बिल्कुल भी नहीं बचती। उसी में चाहे थोड़ा दूध डाल लो, चाहे थोड़ा पानी डाल लो, तो क्या बन गया आपका, एलमंड मिल्क। तो ये वीगन डाइट है, दुनिया की सबसे सेफेस्ट, सबसे ताकतवर डाइट्स में से एक होती है जो एलमंड मिल्क आप बनाते हैं। तो या तो आप सोक्ड ड्राई फ्रूट को चबा चबा के खा लीजिए, अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो चबा चबा के जितना खाओगे उतना आपको भूख जो है बाद में देर में लगेगी। अगर 8 बजे आपने ये खा लिए तो अगली भूख आपको 12-1 बजे लगेगी। तो सीधी सी बात है, जो सुबह के टाइम का आपको ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करना था वो थोड़ा डिले हो गया, तो वो हैवी ब्रेकफास्ट अब 12-1 बजे के करीब में आप करेंगे, या फिर आप एलमंड मिल्क बना के पी लीजिए। अब इसके बाद में जब भी भूख लगेगी तो क्या करना है, खाना तो हम खाएंगे, रोटी दाल चावल, बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना है, लेकिन उसके साथ में दाल ज्यादा पीनी है, सैलेड्स ज्यादा खाने हैं, मिलेट्स बना के रख लीजिए, मिलेट्स या फिर दलिया ये बना के रख लीजिए। तो अगर एक रोटी हम खाते हैं तो 2-3 चम्मच मिलेट्स या दलिये के साथ में खाएं, 2 चम्मच दाल खाएं,
ताकि जो हंगर है उनको हम यहां से पूरा करें, जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को बढ़ाएंगी। इसके बाद में अगर बीच में कभी भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं, गर्मियां हैं तो छाछ पी सकते हैं, अगर सर्दियों का टाइम है तो आपके पास फ्रूट्स होंगे, धूप में बैठ के फ्रूट्स खाइए, सैलेड्स खाइए, ये आपके लिए मददगार है। और ये खाने के बाद में अब अगर बीच में कभी भी भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं, मखाना हो गया, मुरमुरे हो गए, पफ्ड राइस हो गए, ये सारी फॉक्सनट्स जिसको मखाना बोलते हैं वो हो गई, ये चीजों को खाया जा सकता है। ये आपकी भूख को रोकेंगी, पेट को भरेंगी, पेट को भरा हुआ रखना है लेकिन गलत चीज नहीं खानी। उसके बाद में रात को खाना जितनी जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा, 7 से 8 बजे तक आप खा लें तो बहुत अच्छा है, 7 से 8 बजे तक आप खा लेंगे, 9 से 10 बजे तक आप अपनी दिनचर्या में सो जाएंगे, ये पूरी दिनचर्या आपकी कंप्लीट होगी। रात को सोने से पहले जो सुबह आपने आयुर्वेदिक कोई भी ड्रिंक ली है, चाहे वो हल्दी का कॉन्कॉक्शन हो चाहे कोई भी चीज हो, उसको आप रिपीट कर सकते हैं रात को सोने से जस्ट पहले, तो ये आपके लिए मददगार साबित होगी। तो इस पूरी लाइफ स्टाइल जो हमने आपको ये बताया, ये पूरी दिनचर्या जो है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो आप वेट लॉस एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है और पूरे दिन का पैटर्न जो हमारा डाइट का है वो कुछ ना कुछ इससे मैच होना चाहिए, जिसके अंदर आपका प्रोटीन भी बढ़ गया, आपको फाइबर जो है वो बढ़ाया गया है अलग अलग तरीके से, लेकिन फैट शुगर्स इनको आप कम करेंगे, और मैं फिर बता रहा हूं इनको कम करना है, खत्म नहीं करना। जब हम फैट को खत्म करने पर आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि रोटी के ऊपर घी तक नहीं लगाकर खाना, घी लगाइए, देसी घी लगाइए, आप गलत डालडा लगाकर खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर नुकसान जाएगा। तो फैट शुगर सॉल्ट्स इन सबको कम करिए, खत्म मत करिए अपने शरीर से, हर चीज जो बनी है किसी ना किसी चीज के लिए बनी है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पूरे लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है जो आपका बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। वेट लॉस करने के लिए समझदारी की आवश्यकता है, कॉमन सेंस की आवश्यकता है, उसके लिए मार्केट से लाने वाले सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप घर बैठे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स अपना पाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं सप्लीमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं आपको। सप्लीमेंट्स के अंदर ज्यादातर हमें देखने में आया कुछ कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये पूरी की पूरी डाइट है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा वो प्रोवाइड करते हैं। सर्च करिए जरा कि जो कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है उसका पास्ट प्रोफाइल क्या है। बहुत से हमारे जो बंधु हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं, वो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं ये सोचकर कि वेट लॉस में मदद करेगा। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेने से सीधा इफेक्ट आपकी किडनी और लिवर के ऊपर पड़ता है, और दैट इज अ रीजन ऐसे बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं प्रोटीन के नाम पर, लेकिन उनकी वजह से आपकी किडनी और लिवर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट्स आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ऐसा ही एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोला जाता है ग्रीन कॉफी। मार्केट किया गया है, सीधा जाते हैं आप स्टोर्स के अंदर, जाते हैं ग्रीन कॉफी लेकर आ जाते हैं, पीते रहते हैं 2 महीना ये सोचकर वेट लॉस होगा, नहीं होगा। आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ लेंगे, लेकिन ग्रीन कॉफी का इतना बड़ा प्रोफाइल ही नहीं है कि वो वेट लॉस में जबरदस्त आपको रिजल्ट दिखा सके। तो ये चीजों को हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि सप्लीमेंट्स पे जोर नहीं मारना, पूरी के पूरे लाइफस्टाइल को आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इस तरह के रूटीन को आप जितनी जल्दी फॉलो करेंगे ये आपको डिजीज से भी दूर रखेगा, वेट लॉस भी अच्छा करेगा, और आपके शरीर के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी ये अच्छा लाइफस्टाइल रहने वाला है। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।